इतना अप्रेटिव होने वाला है ना जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देख ही ली तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक्सपोलिएटर जैसे कि आप देख सकते हैं ये डर्ट भी साथ में हटा देता है आई यूज क्लिनिक एक्सपोलियर नंबर वन देन आई यूज क्लिनिक मॉइस्चराइजर दिस इज माय गो टू मॉइस्चराइजर मैं बता रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता आई यूज दिस दिस इज विद एलोवेरा एलोवेरा काफी अच्छा होता है सूध लगता है अगर हल्का सा स्किन इनसेंसिटिव भी हो रहा है तो यू कैन वेयर दिस उसके बाद आई एल यूज आई क्रीम बहुत टाइम हो गया और मैं ना रात को सो नहीं पा रही और मेरी उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो अभी मैंने रिसेंटली आई क्रीम यूज ट्राई शुरू करा है यूज करना सो आई एल यूज दिस मॉइस्चरस आई क्रीम काफी अच्छी है एक तो हाइड्रेटिंग है और अगर आप बिगनर है तो फॉर यू तो काफी अच्छी है उसके बाद फिर आई यूज क्लिनिक का ही प्राइमर इट्स इन्फ्यूज्ड विद तो ये आपका ब्राइटनिंग में भी हेल्प करेगा विद स्किन केयर प्रॉपर्टीज तो ये मेकअप के साथ स्किन केयर भी है और ये पोर्स को भी काफी अच्छे से मिनिमाइज करता है इट्स वॉटरी टेक्सचर तो इतना विजिबल नहीं होता और तो इतना ज्यादा मतलब थिक नहीं है देन आई यूज फाउंडेशन फ्रॉम टू फेस ये बहुत ही हाइड्रेशन हाइड्रेटेड फाउंडेशन है इसमें दो पैकेजिंग आती है एक मैट आता है हाइड्रेटिंग। uh, nice. मतलब यूज किया है इसका अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई देन आई यूज ब्रॉन्जर बेनिफिट ब्रॉन्जर मैं हल्का सा आज ब्रॉन्ज लुक करना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बहुत लाइटर करते हैं बट करते हैं। देन उसके बाद आई शेडो आई यूज फ्रॉम पैलेट उसमें मैंने एक बेस कलर लिया मैं यार पैलेट दिखाना बट मुझे आज ना थोड़ा सा क्रोम लुक करना था वो आ, कलर शिफ्टिंग क्रोम होता है ना वो तो इसमें एक कलर था कलर शिफ्टिंग वाला सबसे पहले मैंने आई का बेस रेडी किया एक बेस कलर से फिर हल्का सा मैंने ब्राउन कलर लिया साइड साइडस्ट के लिए उसके बाद ये देख सकते हैं ये कलर शिफ्टिंग है यार ये इसमें अच्छे से आ नहीं रहा बट ये ग्रीन से पिंक होता है अगर आप ध्यान से देखें और ये बहुत सुंदर लगता है जैसे फ्रंट से स्टार्ट होते हुए ग्रीन लग रहा है पर एंड जाते हुए पिंक हो जाता है तो ये कलर शिफ्टिंग आई शेडो वैलेट इट वेरी नाइस वेरी 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 सो so, इसके साइड सेकंड पे भी हमने सेम करना है पहले बेस लगाना है फिर ब्राउन लगाना है देन कलर शिफ्टिंग ग्लिटर लगाना है देन मैंने काजल लगाने के बाद उसको और हाईलाइट किया ये के स्टील ब्लू कलर से न्यू ब्लश ये तो मेरा ऑब्सेशन हो गया है यार मैं बता रही हूँ ये दोनों ब्लश तो मुझे इतने पसंद आ गए ना इतने पसंद जिसकी हद नहीं आई यूज दिस एक तो इसका क्रीम है एक इसका पिगमेंट और ये इतने

इसको हम क्लोज़अप में दिखाते हैं और यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस और पिंक ब्लश के साथ तो इतना सुंदर लग रहा है ये उसके बाद हम अपने लैशेस को करेंगे देंगे और वॉल्यूम देंगे विद द हेल्प ऑफ टू फेस मस्कारा बेटर बहुत बढ़िया मस्कारा है यार बहुत बढ़िया उसके बाद हम यूज कर रहे हैं यहाँ Uh, मैक की लिपस्टिक मल्ले टोवर ये बढ़िया सा शेड है इसको लगाने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा कम है तो मैंने हल्का सा पोछा आफ्टर दैट मैं लगा रही हूँ हुडा का यहाँ डार्क कलर का लिप लाइनर क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा ओमरे लुक देना चाहिए इसके साथ फिर ओमरे लुक के साथ हमने इस पे लगाया दो तीन है मुझे और आपके लिप्स को इतना हाइड्रेट रखते हैं सो दिस इज माई फाइनल लुक कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये आप अपने नवरात्रि में फेस्टिव में या आप अपने आउटफिट के साथ मैच करते हुए कभी भी यूज कर सकते हैं पर अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो इसको बोल देते हैं नवरात्रि লুক হে না আই হোপ লাইক মাই মেকআপ টুটুৰিয়েলিঅ' কোয়েক কেয়াৰ বিপী বিভ বাই